हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं, उनको देख के आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं कोई सब्जी बना रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कोई सब्जी नहीं बना रही हूँ। मैं एक हेयर ऑयल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैं भी यूज़ करती हूँ। उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैंने पैराशूट ऑयल लिया है, नारियल तेल पैराशूट हेयर ऑयल। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच मेथी दाना लिया है। और ये मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, जो कड़ी पत्ते हम खाना वगैरह बनाते हैं उसमें तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हैं वो हैं। और यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है, फ्रेश एलोवेरा है। और ये है ऑनियन है, इसको काट के लिया है मैंने, एक मीडियम साइज का है। तो चलिए हम देखते हैं हम इसको किस टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो हमारे हेयर ऑयल के लिए, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे हेयर के लिए किस तरह से यूज़ करती हैं। ये जो कोकोनट ऑयल है पैरासूट का है, आप यही वाला पैरासूट का लीजिएगा, कोकोनट ऑयल। ये जो हमारे बालों को तेजी से बढ़ाता है, ग्रोथ अच्छी होती है और इससे हमारे बाल भी स्वस्थ रहते हैं और झड़ते भी नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया हुआ है। तो मेथी मतलब हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों को मुलायम करता है। मेथी बालों को टूटने से भी बचाता है, जिससे हमारे बाल कम झड़ते हैं। और इसका फेस पैक भी हम बना के लगा सकते हैं, उसकी लिंक मैं बाद में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी मैं हेयर ऑयल का बता रही हूँ आपको। और मेथी में बहुत सारा प्रोटीन होता है जो हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मेथी दाना में मतलब जो बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं तो वो नहीं होते हैं अगर हम मेथी यूज़ करते हैं बालों के लिए। तो नेक्स्ट ये है करी पत्ता। करी पत्ता में मतलब विटामिन B1, B3, B9 और C होता है। इसमें आयरन कैल्शियम भी होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये एक औषधि गुण है जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसकी जो महक होती है खाने में बहुत स्वाद बढ़ा देती है। और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे कि हमारे बाल प्रदूषण से या किसी चीज़ से ख़राब हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है या सफ़ेद हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब झड़ने भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो उसको, इन सब चीज़ों को ये रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट जो हमारा है ये है एलोवेरा। एलोवेरा कैसे काम करता है हमारे बालों में? जो हमारे बालों में डैंड्रफ वगैरह हो जाता है उनको भी कम करता है। एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल होता है। तो जैसे डैंड्रफ हो जाता है या कभी कभी खुजली होने लगती है उसको भी ठीक करता है। और नमी भी बनाए रखता है एलोवेरा। और बालों में कभी कभी क्या होता है, चिपचिपाहटपन जो हो जाता है उससे बाल हमारे खुजली होने लगती है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है उससे, उसमें भी ये मदद करता है एलोवेरा। और एलोवेरा तो वैसे भी आप सभी जानते हैं, बहुत सारे एलोवेरा के फायदे होते हैं, फेस में भी हम नॉर्मली लगाते ही हैं फेस के ऊपर। तो नेक्स्ट आती है बात प्याज की। तो प्याज हमारे बालों में कैसे असर दिखाता है? तो प्याज क्या होता है ना, प्याज का ऑयल भी होता है, ऑनियन ऑयल होता है, आपने सुना होगा। तो प्याज जो होता है हमारी जो स्कैल्प होती है उसको बहुत अच्छी तरह से पोषण देता है। और प्याज में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जिससे हमारी जो स्कैल्प होती है या उसमें कभी कभी जुएं हो जाते हैं उससे भी बचाता है और बालों को भी झड़ने से रोकता है। प्याज में जो प्याज का जो रस होता है वो हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे नए बाल उगने में मदद करता है और बाल भी कम टूटते हैं। तो चलिए मैंने इन सब के बारे में आपको बता दिया है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम आगे देखते हैं हम इस हेयर ऑयल को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम हेयर ऑयल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं अब हेयर ऑयल हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने
लोहे की कढ़ाई चढ़ाई हुई है, हम हेयर ऑयल लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, स्टील की, या फिर आपके पास सेरेमिक कढ़ाई हो तो उसमें भी बना सकते हैं। बट अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बेस्ट होगा कि आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। तो यहाँ पे मैं हेयर ऑयल, ये नारियल तेल डाल देती हूँ। ये ऑयल अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो इसलिए हम इसको हेयर ऑयल को लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑयल निकाल लिया है। अब हम इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। सारा नारियल का तेल हमने इसमें डाल लिया है, ये इसमें से पूरा ऑयल मैंने निकाल लिया है, और ये 500 ml की बॉटल है, तो मैंने पूरा तेल यहाँ पर डाल लिया है। अब मैं इसको गर्म होने देती हूँ तेल को, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मेथी दाना ऐड कर देंगे, प्याज भी डाल देंगे, कड़ी पत्ता, और ये एलोवेरा। ये लोहे की कढ़ाई मेरी इसलिए काली पड़ गई है क्योंकि हमारे यहाँ नमक का पानी आता है, इसलिए ये कढ़ाई ऐसी हो चुकी है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से पक जाएं और एकदम काली पड़ जाएं, तब तक हमें इसको पकाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमें इसको अच्छे से पकाना है और पूरा जला देना है इन सभी चीजों को। ये देखिए इसका कलर अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये देखिए, बट अभी हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है, पूरी तरह से अभी नहीं पका है। ये मेथी दाना भी ऑलमोस्ट हो चुका है, ये देखिए अब, तो अभी हम 2 से 3 मिनट और इसको पकने देते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे पूरा जल चुका है, मेथी भी हो चुकी है, अब ये हमारा ऑयल रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस तेल को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए हेयर ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसको छन्नी से छानकर किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको छान लेते हैं, फिर इसको एक कंटेनर में डाल देते हैं। ये देखिए मैंने इसको छान के एक कंटेनर में भर लिया है, तो यहाँ पे 2 कंटेनर भर चुके हैं क्योंकि तेल ज़्यादा था, और ये जो छाना हुआ ये बचा हुआ है ये कचरा, तो इसको हम अलग कर देते हैं। ये देखिए ये भी भर चुका है और ये भी भर चुका है। तो आप भी घर पे बनाइए ये हेयर ऑयल और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। इसको इजीली हम स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी हमें इसकी ज़रूरत लगे, हमें शैम्पू करना है तो इस तेल को हमें यूज़ करना है। जैसे अगर हम रात में तेल डालते हैं तो आपको रात में इसको स्कैल्प में मसाज करके और रात भर के लिए छोड़ देना है और सुबह शैम्पू कर लेना है। और अगर आपको शैम्पू करने के 2 घंटे पहले डालना है तो भी आप इसको डाल सकते हैं और स्कैल्प में मसाज करिएगा अच्छे से। और आप जब इस तेल का यूज करें तो हल्का कुनकुना होना चाहिए तेल, मतलब हल्का गर्म होना चाहिए तेल, तभी यूज करिएगा, ठंडा तेल मत यूज करना, कुनकुना करके यूज करना तो आपको ज्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एक टिप मैं और शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जैसे ही आप अपने बालों में ऑयल डालते हैं तो उसके तुरंत बाद आप कंघी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारे बाल ज़्यादा टूटने लगते हैं और बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, इसलिए आप बालों में हेयर ऑयल करके तुरंत कंघी कभी मत करिएगा। नॉर्मल आप जूड़ा बना के उसको
ऊपर जूड़ा बना के आप रख सकते हैं, बट आप कंघी करके उसकी चोटी बना के या पोनी बना के ऐसा कुछ मत रखिएगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये हेयर ऑयल आप यूज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।